नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जनपद के ग्रामीण इलाकों की दशा बहुत ही दयनीय है। कुछ ऐसे भी सरकारी कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से लापता रहते हैं, जिससे जनमानस को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कुछ ऐसा ही मामला विकासखंड चोलापुर की ग्राम सभा जरियारी का है, जहां पर ट्यूबवेल ऑपरेटर की लापरवाही के चलते पूरा गांव परेशान है। ग्राम सभा के ट्यूबवेल पर कार्यरत ऑपरेटर का कोई अता पता नहीं है। सच कहें तो यहां पर कार्यरत ऑपरेटर के दर्शन कभी नहीं हुए। ट्यूबवेल का संचालन ग्राम सभा के स्थानीय ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा था, जो दूसरी जगह कार्यरत है। किसी तरह से ग्रामीणों की सिंचाई होती थी, लेकिन लगभग 2 महीने पहले ही ट्यूबवेल की मोटर जल गई। ग्राम सभा के किसान किसी तरह से पानी की व्यवस्था करके रोपाई किया, लेकिन ट्यूबवेल खराब होने के कारण सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे फसलें सूखने की कगार पर आ गई हैं। जिसके बावजूद भी राहत की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। यहां पर तैनात ऑपरेटर घर बैठे ही अपनी तनख्वाह उठा रहा है और ग्रामवासी किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। ग्रामीण किसानों का कहना है कि यहां पर तैनात ऑपरेटर जो कभी नहीं आता है, उसकी रिकवरी होनी चाहिए और दूसरा ऑपरेटर जल्द से जल्द तैनात होना चाहिए, जिससे सूखती फसलों को नया जीवन मिल सके। फूलमनी, अच्छा तो ये आपका खेत है बगल में? हाँ। ये रुपाई अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, क्यों? नहीं, पानी बिना। पानी बिना? अच्छा, तो किस ऑपरेटर से कही है? अच्छा, ये यहाँ के ऑपरेटर जो गांव वाले हैं? हाँ। नहीं नहीं, तो यहाँ पर दूसरे ऑपरेटर है, उनकी दूसरे की ड्यूटी है। तो क्या हाल है पानी का, मतलब रुपाई होगी कि नहीं होगी आपकी? रुपाई कर पाएंगे कि नहीं करेंगी? मिली तो मैंने करा भैया। तो देख रहे हैं, इनका जवाब है कि पानी मिलेगा तब रुपाई करेंगे, नहीं तो ये देख रहे हैं कि इनकी फसल जो है थोड़ी सी रोपी हुई है, रुपाई की है, वो भी एकदम से धीरे धीरे सूखती नजर आ रही है। सामने आप देख रहे हैं खेतों में पानी बिना धीरे धीरे फसल सूखती नजर आई है और पूरा खेत परती पड़ा हुआ है इनका, और सब खेत परती पड़ा हुआ है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनका और खेत परती पड़ा हुआ है। बगल में ही एक किसान और बैठे हैं, देखें इनसे क्या जानकारी मिलती है। क्या नाम है आपका? शिवमंगल चौहान। शिवमंगल चौहान, अच्छा यह बताइए आपके गांव का ट्यूबवेल जो है यह कितने दिन से बंद होगा? लगभग डेढ़ महीने सवा महीने हो गया होगा। डेढ़ महीना सवा महीना हुआ होगा। जो यहाँ पर कार्यरत ऑपरेटर हैं, वो आपको यहाँ पर कितनी बार दिखे? उनको तो हम देखे ही नहीं है, यहाँ गाँव के हैं, उनको देखे हैं, लेकिन मतलब इस टाइम कुछ यहाँ पे करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जो गांव के ऑपरेटर हैं, वह ट्यूबवेल को मतलब चलाते थे, लेकिन इस समय वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी ड्यूटी जहाँ पर है, वो शायद वहाँ पर कार्यरत हैं। वो तो जो यहाँ पर कार्यरत ऑपरेटर हैं, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। नहीं। आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट नहीं किया? कंप्लेन तो नहीं किए हैं, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये श्योरली है कि फसलें जो है इस गाँव के किसानों की सूख रही हैं? पूरा सूख रही है, देखिए आपके सामने ही सूख रही है सब। सरकार के लिए कोई मैसेज देंगे आप? अब मैसेज तो यही है कि भाई अगर पानी की व्यवस्था होगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि